दोस्तों, आपने हमेशा किस्से, कहानियों और किताबों के माध्यम से उन महान ऋषि मुनियों के बारे में अक्सर सुना होगा जो कई कई वर्षों तक बिना खाए पिए साधना में लीन रहते हैं। और अक्सर उन महान ऋषि मुनियों के बारे में सुनकर आप ये सोचते होंगे कि काश हम उस काल में रहते जहां हम उन्हें देख पाते और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर पाते। पर दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूँ कि ऐसा संभव है और हमारे धरती पर आज भी ऐसे महापुरुष हैं जो कई कई वर्षों से साधना में लीन हैं, पर उनमें से कई सिद्ध योगी ऐसे हैं जो हिमालय की गुफाओं में रहते हैं और कुछ हमारे बीच। पर ऐसे में अगर आपको ऐसे योगी के बारे में पता चले जो पिछले 22 वर्षों से भी अधिक समय से साधना में लीन है और वो भी बिना कुछ खाए पिए, तो आप क्या करेंगे? जाहिर सी बात है कि आप उनके दर्शन करने की कोशिश करेंगे, पर आपको ये बताएगा कौन कि वे कहाँ मिलेंगे और कैसे? तो दोस्तों, अद्भुत टीवी इंडिया का काम ही यही है कि उन सारे रहस्यों को आपके सामने उजागर करना जो हमारे भारत में मौजूद है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और ये जान लेते हैं कि ये महान योगी कहाँ तपस्या में लीन है और क्या है इनके पीछे की दास्तान। कोसमनारा से 19 किलोमीटर दूर देवरी डुमरी पाली में एक साधारण किसान दयानिधि साहू एवं हसमती साहू के परिवार में 12 जुलाई 1984 को एक बालक का जन्म होता है। माँ बाप ने नाम रखा हलधर साहू, परंतु उनके पिता इन्हें सत्यम कहकर पुकारते थे। इस बालक को बाल्यकाल से ही भगवान शिव स्वप्न में दिखाई देते थे और ये बात वे अक्सर अपनी माँ एवं दादी को बताया करते थे। सत्यम बचपन से ही आध्यात्म की तरफ रुख कर चुके थे। एक बार गांव के ही तालाब के बगल में स्थित शिव मंदिर में वे लगातार 7 दिनों तक तपस्या करते रहे। माँ बाप और गांव वालों के समझाने पर वो घर लौटे तो जरूर, मगर एक तरह से स्वयं शिव उनके भीतर विराज चुके थे। उसके बाद बाबा निरंतर अपने इष्ट देव में ही खोए रहे। भगवान शिव के प्रति उनकी आस्था देखकर गांव के बड़े बूढ़े एवं घर परिवार के लोगों ने उन्हें सत्यनारायण नाम दिया। 14 साल की उम्र में एक दिन वे स्कूल के लिए बस्ता लेकर निकले, मगर स्कूल नहीं गए। बाबा सफ़ेद शर्ट और खाकी पैंट की स्कूल ड्रेस में ही रायगढ़ की ओर रवाना हो गए और अपने गांव से 19 किलोमीटर दूर और रायगढ़ से सटकर स्थित कोसमनारा वे पैदल ही पहुँचे। कोसमनारा गांव से कुछ दूर पर एक बंजर जमीन में उन्होंने कुछ पत्थर को इकट्ठा करके शिवलिंग का रूप दिया और अपनी जीभ काटकर समर्पित कर दी। कुछ दिन तक तो किसी को पता नहीं चला, मगर जंगल में आग की तरह खबर फैलती चली गई और लोगों का हुजूम वहां पहुंचने लगा। कहा जाता है कि बाबा को तपस्या करते हुए पूरे 22 साल बीत चुके हैं। दोस्तों, आपको जानकर ये हैरानी होगी कि बाबा 16 फरवरी 1998 से अब तक तीनों मौसम, ग्रीष्म, वर्षा एवं ठंड ऋतु में खुले आसमान के नीचे निरंतर सुबह 7 से रात्रि 12 बजे तक अपने ईश्वर की साधना में तपस्यारत रहते हैं। बाबा किसी से बात नहीं करते, मगर जब ध्यान तोड़ते हैं तो भक्तों से इशारे में ही संवाद कर लेते हैं। रायगढ़ की धारा को तीर्थस्थल बनाने वाले बाबा सत्यनारायण के दर्शन करने वाले भक्तों के लिए अब कोसमनारा में लगभग हर व्यवस्था है, किंतु बाबा ने खुद के सर पर छांव करने से मना किया हुआ है। बाबा कब क्या खाते हैं किसी को नहीं पता, भोजन करते आज तक किसी ने नहीं देखा। इनके तप को आज 22 साल हो चुके हैं और आज भी बाबा का कठोर तप जारी है। बाबा की ख्याति सुनकर आसाम कामाख्या से 108 मौनिक कलाहारी बाबा भी कोसमनारा रायगढ़ सत्यनारायण बाबा की तपस्या देखने आए। बाबा की तपस्या से प्रभावित होकर 108 सत्यचंडी महायज्ञ किया गया एवं बाबा सत्यनारायण को श्री 108 की उपाधि देकर वे अपने धाम को लौट गए। तब से आज तक प्रतिवर्ष उनके अनुयायी यहाँ कोसमनारा आते हैं। बाबा की ख्याति देखकर यहाँ के लोगों ने सर्वप्रथम कुटिया बना दी, फिर पानी की व्यवस्था कर दी। धीरे धीरे बाबा जी का धाम अपना स्वरूप लेने लगा। पत्थरों की जगह शिवलिंग की स्थापना हो गई और धुनी की जगह हवन कुंड बना दिया गया। बाबा खेत की जमीन पर बैठे थे, भक्तों के अनुरोध पर वे चबूतरे पर बैठने को राजी हुए। दोस्तों, अगर आप कभी छत्तीसगढ़ आए तो इस अद्भुत और सिद्ध बाबा के दर्शन जरूर कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर
और हमारे चैनल अद्भुत टीवी इंडिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप, जल्दी मिलता हूं आप सभी के साथ एक नए वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।